अच्छा जी आगे चलते हैं जी। ओके क्रिकेट 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 120 रन करने थे सिर्फ हमें। इनको पकड़ रफ्तार करें, इनके लिए बाकियों के लिए एग्जांपल सेट करें, क्योंकि सिलसिला मजीद नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए। क्रिकेट तो चलनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्रिकेट के हवाले से आप देख लें, काफी लोग हमें गुस्से का इजहार करें। वो फेंटा लगाया पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम को हराने चला जाएगा ना, इम्पॉसिबल है। वो इससे अच्छा तो गुल्ली डंडा खेल लो जाके। उन्होंने आपका घंटा बजा दिया। 11 के खिलाड़ियों को लाइन में खड़ा करके चक मार के इनको खत्म करा देना। हमें कहने पे मजबूर है, हमें रोना आ रहा है, रात की नींद नहीं आ रही। मोर बोले ये पंगुड़ी थारी। मैं जरा आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। दिल छुट्टी गमजदा तो हम होते ही हैं, हर दफा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब मुझे दिल से तकलीफ होती है। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है, मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे क्रिकेट देखने का शौक नहीं है। ठीक है समरिया, इससे बड़ी झूठी और मक्कार आपने आज तक नहीं देखी होगी। किस शेर की आमद है के रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है और यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना, तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव और बिलाशुबा दुनिया क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग। और अगर इसमें हमारी टीम हार जाए तो फिर आप ना ही पूछिए कि फिर क्या हालत होती है क्रिकेट के दीवानों की, मतवालों की, कि वो अगर मुकाबला रिवायती रीफ, खासतौर पर रिवायती रीफ से हार जाए तो फिर आप ये ऐसी बातें शुरू कर देते, ऐसा समझा जाता है जिससे खुदा ना खास्ता हमारी टीम ने कोई गुनाह कर दी है, मतलब आप हाथ धो के टीम के पीछे पड़ जाते हैं। दिल बड़े दुखे हुए हैं, क्या करूं इसका, रात नींद नहीं आई और मेरे बाबू ने खाना खाया, रात मैंने खाना नहीं खाया। माशाल्लाह दिल था पाकिस्तानी, आज इससे दिल हो गया, दिल है हिंदुस्तान। जरा आंखें नम हुई, रोना भी आया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ तो हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा का रिएक्शन आ ही गया। भारत से मैच हारने के बाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर अघोषित आपातकाल लग चुका है, मातम मन रहा है, शोक दिवस मन रहे हैं, वहाँ चारों तरफ रोना पीटना चल रहा है, एक दूसरे के गिलेबान पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर भी ऐसा ही कुछ माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जितने भी प्लेयर होते हैं सब पर्ची प्लेयर होते हैं। हाँ भाई हाँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट पे तो आता ही नहीं है, टैलेंट के नाम पे पाकिस्तान के पास एक गोबर आजम है जिसको लोग प्यार से जिम्बाबर कहते हैं। बड़ी टीमों में बड़े मैचों में वो कभी रन बनाता नहीं है। खैर आज हमारा टॉपिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, हमारा टॉपिक है फिजा खलीफा खान, जिसका आप सबको तब बेसब्री से इंतजार इंतजार इंतजार। फिजा खलीफा ने कितना बड़ा झूठ बोला कि मैं तो क्रिकेट देखती ही नहीं हूँ। मैं जरा आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। फिजा को नहीं पता कि फिजा ने क्रिकेट पे जितने प्रोग्राम किए, जितना भारत को तंकीद किया है क्रिकेट के ऊपर मैच से पहले और मैच हारने के बाद, तो एक गायब ही हो जाती है बंदी। वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, एशिया कप में भी यही हुआ, और अब T20 कप के अंदर तो कह दिए कि मैं क्रिकेट ही नहीं देखती हूँ, मुझे क्रिकेट ही पसंद नहीं है। ये सब दोगलापन है कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आज पूरा वीडियो फिजा खलीफा के ऊपर ही होने वाला है, तो बिना देर के चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जंगली सूअर के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये शेख रशीद, आपको पता है वर्ल्ड कप में भारत हार गया था, तब इस जाहिल ने, इस घरे के बच्चे ने क्या कहा था। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। अब तुम्हारा इस्लाम हार गया भाई, तुम्हारा इस्लाम तो वर्ल्ड कप में भी हार गया, T20 में भी हार गया, और आज इनके इस्लाम को ये खुद गले दे रहा है। अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था, ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती वहाँ भी हारती, ये हिजड़ों से खेले तो हिजड़ों से भी हार जाए। ये ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते वहाँ भी हारते ही है, क्योंकि हर रोज पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं।
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया शेख रशीद ने। आपको बताओ तो ये बंदा पाव पाव पी लोगे बम की एटमी धमकी दे चुका है। अरे नहीं, और इसके पास में ऐसे ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। कुछ भी और लेना देना कुछ है नहीं इनके बाद। सही बात है यार। तो अब सीट की पेटी बांध लीजिए, सीधा चलते हैं फिजा खलीफा के पास। चल 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 चल। बचपन की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है क्रिकेट में नहीं बल्कि रेसलिंग में था। मुझे आज भी याद है अंडरटेकर की एंट्री होती थी बड़ी एक ड्रामाई अंदाज में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। फिर जॉन सीना, बेटिस्टा, शॉन माइकल, रैंडी ऑटन और बड़े बड़े रेसलर्स होते थे। एक मुझे याद है किंग बुकर भी होते थे। अंडरटेकर की अलबत्ता जो एक एंट्री होती थी वो बड़ी एक ड्रामाई अंदाज में होती थी। अच्छा, मुझे शुरू से वो जो मुकाबला था ना रेसलिंग का, जो बड़े ड्रामाई से अंदाज में होता था, वो अपने शहर में जकड़ लेता था और मैं बड़े शौक से देखती थी रेसलिंग। हाय हाय, शौक से देख, रेसलिंग शौक से देखती। शौक भी देखो क्या पाल रखे इसने बचपन से रेसलिंग के। लेकिन मैंने देखा कि हमारे मुल्क में ज्यादातर जो तादाद है पाकिस्तानियों की वो क्रिकेट शौक से देखते हैं। क्रिकेट लोगों को बहुत पसंद है, बल्कि अगर मैं कह दूं कि जुनून की हद तक पसंद है तो गलत नहीं होगा। इसीलिए ये जो खेल है ना, हम खेल को खेल नहीं बल्कि कुछ जंग समझ बैठते हैं। आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय। अभी आपने सुना ना क्या बोल रही थी ये 9 महीने पहले, भारतीयों को तो कल का मैच ही नहीं देखना चाहिए, ये हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी दिल की धड़कनें बंद हो सकती है। दोगली अभी जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें हमने देखा कि भारत के हाथों पाकिस्तान की जो शिकस्त है, हार है, उस पर पूरी कौम सोगवार है, गमजदा है। ठीक है, ये नेचुरल है कि रवायती हरीफ है, आप अगर उससे हारे हैं गेम में खेल में तो आप बहुत ज्यादा गम गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन हार जीत खेल का क्या हिस्सा नहीं होती? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार भी गेम का हिस्सा है और जो जीत है वो भी खेल का हिस्सा है। अगर टीम मुकाबला करते हुए हारती है तो ये हौसला होता है कि जी मुकाबला तो हमने किया लेकिन बाकी किस्मत पे छोड़ देते, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन भारत के मामले में हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि क्रिकेटर्स को कोसने पर आ जाते हैं। ये हार जो होती है ना, ये कौम से बर्दाश्त नहीं होती है। चले ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि ठीक है तकलीफ है जब आपकी टीम हार कर आती है, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जज्बात जुड़े होते हैं, आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, आप हर्ट होते हैं, खासतौर पर जब भारत से हम खेल में हारते हैं क्रिकेट की खासतौर पर बात की जाए। लेकिन फिर भी टीम को कोसना और तरह तरह की इस तरह की बातें करना ये आपको जेब नहीं देता है। वो हमारे ही खिलाड़ी हैं, वो हमारे लिए ही खेल रहे हैं और वो जानबूझ के नहीं हारे। हार और जीत टीम का खेल का हिस्सा होती है। अच्छा, टीम की सिलेक्शन से लेकर आप देख लें एक्शन तक, हम देख रहे हैं हर चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, हर चीज़ पर तनकीद की जा रही है, उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ जो नाकिस परफॉर्मेंस होती है, नाकिस कारकर्दगी होती है, उसकी वजह है क्या? सिलेक्शन में जो कोताही है, गफलत कोई हुई है या फिर कहीं और इस कोई गफलत हुई है, इसका पता चलना चाहिए ना। आप तह तक जाएं कि जिम्मेदार आखिर कौन है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार भी कुछ लोगों ने खेल में भी सियासी जो स्कोर है वो बराबर करने का खेल को भी जरिया बना लिया है और पॉइंट स्कोरिंग जो खेल में भी शुरू कर दी है। जैसे कि वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी साहब शख्सियत, अब इस दफ़ा उनकी जो शख्सियत है वो टारगेट है, उन पर तनकीद की जा रही, उन पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं कि जी एक सहाफ़ी को क्रिकेट बोर्ड की सरबराही आखिर क्यों दे दी गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब अपनी जो कारकर्दगी है उसका लोहा मनवाया और मोहसिन स्पीड का बड़ा चर्चा हुआ इसी वजह से। लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है कि टीम अगर हारी है, शिकस्त हुई है, तो जारी बात है बतौर चेयरमैन पीसीबी तनकीद की जद में मोहसिन नकवी साहब ही आएंगे। लेकिन जिस किस्म की बातें की जा रही हैं वो गलत है। इस हद तक आपको नहीं जाना चाहिए किसी एक शख्सियत को, किसी को भी लेके। फिजा खलीफा, तुम हर बात में हर पॉइंट के अंदर भारत को घसीटती हो, हमारे पीएम को गालियां देती हो, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं नहीं, ये अच्छी बात है हरगिज। ये कहावत सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए बनी है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अपने पे आ जाए तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब बात भारत की हो तो मिसाइल निकाल के खड़ी हो जाती हो। शर्म है तुम्हें कुछ, हया है कुछ, बेशर्म। अब दूसरी तरफ देखने की कोई शिकस्त का मलबा है टीम की ट्रेनिंग पर डाल रहा है, कोई अकरबा परवरी का रोना रो रहा है और कोई सिफारिशी कल्चर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अच्छा बता, जो भी हो, कौम का दिल इस शिकस्त से यकीनी तौर पर टूटा हुआ है। मैं बार बार कहूँगी कि दुख होता है लेकिन दुख में आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाएं कि आप क्रिकेटर्स के बारे में जो जो बातें कर रहे हैं वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। अब जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के दावेदार हैं, जिन लोगों ने इस मामले को देखना है, उन्हें मामला देखना चाहिए बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि हमारी जो टीम है वो आउट ऑफ फॉर्म ही सही, इतनी बुरी तो कभी भी नहीं रही है ना। फिर अमेरिका में देखने की शिकस्त पे शिकस्त की वजह आखिर बनी क्या, उस वजह के तह तक जाना चाहिए ताकि मामला सही हो, बेहतरी की तरफ हम जा सकें। दूध पानी का पानी होना चाहिए लेकिन खाली तनकीद से तो काम नहीं चलेगा। खेल जो है उसको खेल ही रखें, खेल में सियासत ना लेकर आएँ, खेल
पर आप तनकीद कर सकते हैं, परफॉर्मेंस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप ज़ातियात पर जब हमले करेंगे या उसको भी सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है। ये गलत है क्यों फिजा बीबी, निकल गया तेल। और फिजा इस बार भी मैच से पहले जरूर बोलती है, लेकिन क्या हुआ कि ये मैच ये करती है 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन आती है सिर्फ अपने प्रोग्राम के अंदर, और इस बार भी ये बड़बोलेपन नहीं मार पाई है। उसका रीजन ये है कि ये मैच था संडे को और ये फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की करती है छुट्टी, इसलिए इसको इस मैच के ऊपर बोलने का प्रोग्राम मिला ही नहीं। अगर इसको ये प्रोग्राम मिलता है, ये मैच होता मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे, इन 4 दिन के बीच में अगर ये मैच होता तो ये फिजा खलीफा इसके ऊपर भी बड़े बड़े बोल बच्चन मारती और बड़ी बड़ी डिंगी हाँकती। इतिहास गवाह, आज तक जितने भी मैच हुए ना, यकीन मानना मेरे फिजा के ऊपर 4 साल से गहन रिसर्च चल रहा है मेरा। इसने हमेशा बड़के मारी है और हमेशा मुंह की खाई है। आज तो फिर भी ये हारने के बाद बोल रही है, आज तक ये बोलती भी नहीं थी। प्रोग्राम ही चेंज, माहौल ही चेंज। तो फिजा खलीफा बोल बच्चन ज्यादा मत मारा करो, औकात में रह के बोला करो, और तुम पाकिस्तानियों की औकात कितनी है वो हमको पता है। इधर हमारे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दुनिया क्रिकेट में देखने में लगी हुई थी, और तुमने हमारे श्रद्धालुओं पर नियत श्रद्धालुओं पर गोलियां चलवाई है। शर्म कर लो शर्म। तुम्हारी आर्मी में जरा सा भी जज्बा है, राशि भी जिंदा दिली है तो सामने से लड़े ना, आर्मी वालों से लड़े और हथियार वालों के साथ लड़े, नियतों पे क्या वार करते हो कायरो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पाकिस्तानी भी बहुत वीडियो देखते हैं ये, अब तुम बताओ नियत पे श्रद्धालुओं पे गोली चला रहे हो, ये तुम्हारी बहादुरी है, ये तुम्हारा जज्बा है। लानत है तुम्हारे जज्बे पे, लानत है तुम्हारी कौम के ऊपर। आथू, मेरा तो थूकने का भी मन नहीं करता, ऐसी कौम हो तुम। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को जाते जाते खासतौर से फिजा को मक्खन लगाते हुए जरूर जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।